महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में समाज सेवी बहुत जीवन समाज की सेवा करने में निकाल दिया, और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे बीच में ब्रह्मपाल जी हैं जो अखिल भारतीय चमार समुदाय से संबंध रखते हैं और एक संगठन चला रहे हैं, आइए हमसे जानकारी लेते हैं। सर, आज का तो श्रद्धांजलि समारोह है और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मनाया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है? कहना तो बाबा साहब ने जो इस देश के लिए काम किया है उनको श्रद्धांजलि, जितना भी उनका प्रशंसा की जाए वो कमी रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक क्षेत्र में नहीं सारे क्षेत्रों में काम किया और ऐसा मार्गदर्शन किया देश को संविधान दे करके कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, हमेशा इस देश को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सर, संविधान की जब बात करते हैं तो कुछ लोग मन से ये कहते हैं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, और क्योंकि आज देश की जो हालात चल रही है वो सारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और सब प्राइवेटाइजेशन की जब तरफ जा रही है तो आज संविधान का क्या मायना रह जाता है? नहीं, संविधान तो खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में सारे प्रावधान इस तरह से हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें संशोधन हो सकते हैं और उसको दुरुस्त किया जा सकता है किसी भी समय, कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ लोगों की सोच का है कि लोगों की सोच जो गलत काम करने की है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। संविधान अपनी जगह बहुत परफेक्ट है और सब तरह के इंतजाम उसके अंदर बाबा साहब ने किए। सर, लोगों की, जैसे आपने बताया लोगों की सोच को ठीक करने की जरूरत है, तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? लोगों की सोच को तो वो भी रास्ता बाबा साहब ने दिया है कि जब कोई गलत करे तो उसके विरुद्ध जो है आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन का रास्ता एक है जो संवैधानिक भी है, और उसमें आंदोलन के रास्ते से ही लोगों की सोच को बदला जा सकता है।